आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या आप अपने मोबाइल से घर बैठे BSNL के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि BSNL के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कैसे करें। आप कोई भी नंबर लगाते हैं लेकिन आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर हम आपको एक आसान नंबर बताएंगे। बहुत ही सिंपल नंबर है और आपका एक ही बार में कस्टमर केयर से तुरंत कांटेक्ट हो जाएगा, वो भी आपका हिंदी लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे तो आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आप कोई गलती ना करें और आपकी डायरेक्ट बात हो सके। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप अपनी प्रॉब्लम को कस्टमर से बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास BSNL का सिम कार्ड है, अगर हम आपको दिखाएं तो अपने हम कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, सिम कार्ड मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BSNL मोबाइल, जो हमारे पास BSNL का सिम कार्ड है। तो यहाँ से आ जाएंगे बैक आने के बाद आपको अपने डायलर में जाना होगा। डायलर में जाने के बाद यहाँ पर आप एक नंबर डायल करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 15। जैसे आप लिखेंगे 15 उसके बाद 03। जैसे आप लिखेंगे 1503 तो आपके सामने एक नंबर आ जाएगा निकल के 1503, और इसी नंबर पर आपको कॉल करना होगा। तो चलो हम इस नंबर पर कॉल करते हैं। अगर बाय चांस ये नंबर आगे चलकर कुछ दिनों के बाद अपडेट हो जाता है तो फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और भी आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ट्राई कर लेना अगर ये आपका ना लगे तब। उसके बाद डायल, जैसे आप इसे डायल करेंगे अब आप इसे स्पीकर पर ले लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि हमारी कॉल हमारे कस्टमर केयर के पास ट्रांसफर की जा रही है। जी हेलो, जी जी मैडम जी नमस्ते। तो हमारी यहाँ पर बात हो गई है कस्टमर से, तो इस तरीके से आप BSNL के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।